हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो आज बात करने जा रहे हैं हम इस मार्बल क्वीन मनी प्लांट के बारे में। तो इस मनी प्लांट को फर्स्टली मार्बल क्वीन क्यों कहते हैं, हम उसके बारे में ही जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इसकी लीव में वाइट कलर का वेरिएशन है और मार्बल एकदम वाइट कलर का बहुत अट्रैक्टिव लगता है। उसी तरीके से जो इसकी लीव्स में वेरिएशन है ग्रीन और वाइट कलर का, वो भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, मार्बल क्वीन मनी प्लांट। क्योंकि कॉमन मनी प्लांट जो हम लोगों के घर में होते हैं उसमें ग्रीन और क्रीम कलर का वेरिएशन होता है या हल्का गोल्डन से कलर का वेरिएशन होता है। तो इस मनी प्लांट की खास बात यही है कि इसका वेरिएशन वाइट कलर का है, बिल्कुल मार्बल जैसा, देखने में बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव, इसलिए ये मार्बल क्वीन मनी प्लांट है। तो अगर इस मनी प्लांट को हम अपने गार्डन में शामिल करते हैं तो हम किस तरीके से इसकी केयर कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसमें फर्टिलाइजेशन करें, वाटरिंग करें, उन सब के बारे में आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले आता है कि ये जो मनी प्लांट है उसमें हम किस तरह की सॉइल मिक्सचर को बनाएं। तो लगाने के लिए जो हम गार्डन सॉइल है, कंपोस्ट है और सैंड, तीनों का मिक्सचर मिला के जो भी पॉटिंग मिक्स बनाते हैं उसमें हम इसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो इसका जो पॉटिंग मिक्स है वो आप कंपोस्ट, गार्डन सॉइल और सैंड तीनों को बराबर लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो मिट्टी आप बनाएं वो पोरस हो, यानी कि उसमें पानी रुके नहीं, आसानी से निकल जाए। जो भी पॉट आप ले रहे हैं उसका ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। आप पहले उसमें चेक कर लीजिए कि जो ड्रेनेज होल है वो प्रॉपर है या नहीं है, तो उसके बाद ही आप उसमें उस प्लांट को लगाएं। क्योंकि अगर ड्रेनेज होल सही नहीं होता या फिर हमारा जो पॉटिंग मिक्स है वो इस तरीके का है कि वो पानी को होल्ड कर लेता है, तो प्लांट की जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं और पूरा प्लांट आपका ख़राब हो जाता है। तो आप बहुत आसानी से बहुत सिंपल टाइप की जो सॉइल है हम पॉटिंग मिक्स बनाते हैं उसमें इसे लगा सकते हैं। सेकेंड नंबर आता है कि इसको किस तरीके की सनलाइट पसंद है। तो ये जो प्लांट है या कोई भी मनी प्लांट है उसको डायरेक्ट सन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, इसे सेमी शेड पसंद है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ लाइट काफ़ी अच्छी आती हो, काफ़ी अच्छी हवा आती हो, लेकिन धूप बिल्कुल ना आती हो। क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट धूप में प्लेस करते हैं तो इसकी जो पत्तियां हैं आप देख पा रहे होंगे कि पत्तियां यहाँ से जलना शुरू हो जाती हैं, इस तरीके से येलो हो जाती हैं, उसकी लीव्स पे बर्निंग आ जाती है जो कि बहुत गंदी लगती है और हमारे प्लांट को भी ख़राब कर देती है। तो ये जो प्लांट है वो सेमी शेड का प्लांट है, आप इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे ब्राइट लाइट हो और हवा हो लेकिन धूप ना हो। उसके बाद अगर हम बात करें वाटरिंग की, तो वाटरिंग के लिए हम आप देख सकते हैं इसकी जो मिट्टी है अभी वो गीली है क्योंकि इसमें मैंने पानी दिया है। ये जो मिट्टी की लेयर है जब आपको सूखी हुई नज़र आए तभी आप इसमें वाटरिंग करें, क्योंकि ये जो पौधा है वैसे तो पानी में भी उग जाता है, लेकिन अगर आप इसको गमले में लगाते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जब इसकी पत्तियाँ गीली, सॉरी इसकी मिट्टी आपको सूखी नज़र आए तभी आप इसमें पानी दें। और जब आप पानी दे रहे हैं तो साथ साथ इसकी पत्तियों पे भी स्प्रिंकल कर दें, स्प्रे कर दें पानी का, जिससे कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेंगी और काफ़ी सुंदर भी लगेंगी। तो मनी प्लांट को जो आप प्रोपोगेट कर सकते हैं वो आप पानी में भी कर सकते हैं और आप इस तरीके से मिट्टी में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोपोगेशन की ही बात करते हैं। तो इस किस तरीके से हम इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे इधर इसकी जड़ें आपको दिख रही होंगी, काफ़ी सारी जड़ें निकल रही हैं। आप इस तरीके से इसको यहाँ से कट कीजिए, इतना आप इसको कट कीजिए और आप डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इसको पानी में, बॉटल्स में, जार्स में, हम अपने घर में प्रोपोगेट करते हैं तो हम उसमें भी लगा सकते हैं। इसका प्रोपोगेशन बहुत ईजी है, बहुत आसानी से लग जाता है, बस हमें ध्यान पानी का, हवा का, धूप का, इन सब चीज़ों का रखना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है हमारे फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइज़र हम किस टाइप का दें ताकि हमारा मनी प्लांट काफ़ी अच्छा रहे, तो इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र ही काफ़ी अच्छा रहता है। जितने भी प्लांट्स हमारे लीव्स वाले होते हैं, यानी कि जिन पे पत्तियां होती हैं और फूल नहीं होते, तो उनको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र काफ़ी पसंद आता है। तो NPK भी आता है, जो केमिकल वाला फर्टिलाइज़र है, आप वो भी डाल सकते हैं। उसके अलावा जो आप कंपोस्ट है, आप कंपोस्ट डायरेक्ट डाल सकते हैं या कंपोस्ट ट्री जो होती है आप दो तीन मिट्टी कंपोस्ट ले लीजिए या गोबर खाद ले लीजिए। गोबर खाद भी काफ़ी अच्छा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होता है जिससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, तो आप वो लेके पानी में भिगा दीजिए 1 लीटर पानी में,
और 2-3 दिन बाद उस पानी को छान कर, अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो, क्योंकि स्प्रे बॉटल कई बार बिना छाने पानी से ख़राब हो जाती है, तो आप उस पानी को छान कर और 10 लीटर पानी में डाइल्यूट करके आप इसमें डाल सकते हैं। ये जो आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसे आप महीने में लगभग 2 बार दें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा आप जब सितंबर का मंथ है या फरवरी का मंथ है तो आप डायरेक्ट फर्टिलाइजर भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मार्बल क्वीन मनी प्लांट है बहुत इजी टू प्रोपोगेट है, इजी टू केयर है। बस थोड़ी थोड़ी कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है कि डायरेक्ट धूप में नहीं रखना, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, अच्छा फर्टिलाइज़र इसको देना है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप महीने में एक बार भी डालते हैं तो भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इस मनी प्लांट को, कहीं से कटिंग मिल जाती है तो कटिंग से भी लगा सकते हैं, अगर आपको कहीं से छोटा पौधा मिल जाता है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो यही है कि मार्बल क्वीन मनी प्लांट को हम किस तरीके से अपने गार्डन में शामिल करें और कैसे उसकी केयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल पर बने रहिएगा और ऐसी ही वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू।